नमस्कार जी, स्वागत है आपका ओनली न्यू नेशन में। अपनी हार से डरकर ममता बनर्जी भी बन गई हिंदू, बन गई ब्राह्मण, और राहुल गांधी की तरह जनेऊ तो नहीं है उनके पास दिखाने के लिए। लेकिन समस्या बड़ी यह है कि ममता बनर्जी को टोपी का चोला हटाकर अब फिर से राम नाम कहने पर मजबूर होना पड़ रहा है। यह ममता बनर्जी के लिए बड़े दुख की बात है और ममता बनर्जी बहुत परेशान सी रह रही है। ममता बनर्जी को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां। और वही उसके बाद जो नारा है, वाह मोदी जी वाह, तो वाह मोदी जी वाह कहने को मजबूर हो गई है। मुंह से वाह मोदी जी वाह तो नहीं कह रही है, लेकिन एक कहावत है, मुंह में राम बगल में छुरी, और मुंह में तो राम मजबूरी में आ गया, लेकिन छुरी कहां है यह खोजना पड़ेगा। और पश्चिम बंगाल के लोग अब इसको खोज के लाएंगे। फिलहाल कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय लिखिए, और अगर ममता बनर्जी मजबूर हो गई हैं राम नाम लेने से, तो हमें लगता है आपको और मजबूर हो जाना चाहिए। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखिए, उसमें कोताही मत कीजिए। चलते हैं पूरी खबर की ओर। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल का रण तैयार है, घमासान मचा हुआ है। नंदीग्राम में स्कूटी पलटने से पहले ममता बनर्जी का आज जो अभियान है वो शुरू हो गया है। ममता बनर्जी ने आज अपना फॉर्म भर लिया है और अब एक प्रत्याशी के रूप में टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी उतर चुकी हैं मैदान में। इस मैदान के दूसरे महारथी हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और ममता बनर्जी के पुराने सिपह सलार शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी बड़ी चुनौती देने वाले हैं, और भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि 50,000 वोटों से ममता बनर्जी को हराएंगे, जो करना है कर लें। अब ममता बनर्जी क्या कर लेंगी, तो ममता बनर्जी बोल रही है कि हमें हिंदुओं का भी वोट लेना पड़ेगा, मजबूरी है, सिर्फ नमाज पढ़ने से काम नहीं चलेगा। इसलिए नमाज को दरकिनार करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि मैं भी हिंदू हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मुझे पता है हिंदुत्व के बारे में सब कुछ। ममता बनर्जी को कितना पड़ा पता है हिंदुत्व के बारे में, यह तो बात की बात है। लेकिन तीसरी बात यह है कि जय श्री राम के नारों पे सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन ममता बनर्जी की तरफ से पड़ता है कि जय श्री राम के नारों पे प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को प्रॉफिट हो रहा है, बीजेपी को प्रॉफिट हो रहा है जय श्री राम से, या ममता बनर्जी को नुकसान हो रहा है जय श्री राम से, यह पश्चिम बंगाल की जनता तय करेगी और 2 मई को यह चुनाव परिणाम में दिख जाएगा। लेकिन आपको चौथी बड़ी खबर बता दें कि बड़ा लिस्ट जारी हुआ है बड़े प्रचारकों का, स्टार प्रचारकों का भारतीय जनता पार्टी के, और उसमें जो नाम है उसको देखकर ममता बनर्जी और परेशान। नाम पहले ले लेते हैं, कौन कौन स्टार प्रचारक हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव में प्रचारक करने के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी। इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सब वाकिफ हैं कि जब जहां पहुंचते हैं रैली में वहां पर पूरा माहौल बदल देते हैं। गृहमंत्री अमित शाह हैं, जेपी नड्डा हैं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, भगवाधारी योगी आदित्यनाथ, और हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए मिथुन चक्रवर्ती उर्फ कोबरा। कोबरा कहना गलत है, नाम नहीं बदलना चाहिए किसी का, लेकिन एक बयान आया जिसमें कोबरा की बात चल रही है, तो कोबरा का मतलब बड़े खतरनाक व्यक्ति। मिथुन चक्रवर्ती बड़े पुराने राजनीति को अपने भूलकर नए अंदाज में राजनीति में पहुंच गए हैं, और उनके तमाम मीम्स बन रहे हैं, वीडियोस वायरल हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि बंगाल के इन नेताओं के कंधे पर भाजपा को जिताने की जिम्मेदारी मिली है, टारगेट भी पूरा करना है, बीजेपी को जिताना भी है, और साथ ही साथ नंदीग्राम में स्कूटी भी पलटाना है। माफ कीजिएगा, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम चाहते नहीं कि किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने खुद तय कर लिया है पलटना तो पलटेगी ही, उसको कोई रोक नहीं सकता है। पश्चिम बंगाल के लिए पार्टी के स्टार प्रचारकों में राजनाथ सिंह हैं, नितिन गडकरी हैं, अर्जुन मुंडा हैं, धर्मेंद्र प्रधान हैं, स्मृति ईरानी हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, शिव प्रकाश हैं, मुकुल रॉय हैं, दिलीप घोष हैं, दिलीप घोष वही जो हो सकता है भविष्य में मुख्यमंत्री भी बन जाएं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते, मनसुख भाई मंडाविया, जुएल ओराव, राजीव बनर्जी, अरविंद मेनन, अमित मालवीय जो कि बीजेपी के आईटी सेल के मुखिया हैं, बाबुल सुप्रियो, देवाश्री चौधरी, नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास को जानते ही होंगे आप, लॉकेट चटर्जी, राजू बनर्जी, अमिताभ चक्रवर्ती, ज्योतिर्मय सिंह महतो, सुभाष सरकार, कुनार हेमबरम, यशदास गुप्ता, श्रीपंती चटर्जी, हिरोन चटर्जी और पायल सरकार शामिल हैं। यह लिस्ट है 40 स्टार प्रचारकों में, केंद्रीय नेताओं के साथ पश्चिम बंगाल के लोकप्रिय चेहरों को भी मैदान में उतार दिया गया है। अब क्रिकेट में जब इतने खिलाड़ी उतर गए हैं,
ये क्रिकेट ऐसा है जिसमें 40 खिलाड़ी एक साथ उतरे हैं, तो जाहिर सी बात है विपक्षी पार्टी, विपक्षी टीम यानी ममता बनर्जी अपने टीम में किसको सजाती हैं और अपने टीम में कौन से स्टार प्रचारक ले जाती हैं। दरअसल ममता बनर्जी के पास कोई स्टार प्रचारक बचा नहीं है। ममता बनर्जी के पार्टी के जितने भी आधारशिला थे सारे आधारशिला धराशायी हो गए हैं और सब के सब जाके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। अब ममता बनर्जी खुद ही स्कूटी चलाएं और खुद ही पलटाएं या खुद ही स्कूटी का नैया पार कराएं, सब कुछ ममता बनर्जी पे छोड़ दिया जाएगा। और पश्चिम बंगाल की जनता बोल रही कि ममता बनर्जी आप जय श्री राम नारे अभी नहीं अगर लगाएंगी तो चुनाव के बाद आप मजबूर हो जाएंगी और आप हाथ जोड़कर हो सकता है कि अयोध्या भी आने को मजबूर हो जाएं। लेकिन ममता बनर्जी को समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदुओं की बात करें या मुसलमानों की बात करें या दोनों की बात करें, यदि ममता बनर्जी दोनों की बात करती हैं तो आगे कुआं पीछे खाई वाला मामला हो जाएगा। आगे कुआं पीछे खाई का मतलब समझिए, ममता बनर्जी अगर हिंदू मुस्लिम दोनों की बात करेंगी तो ममता बनर्जी ना नर में रहेंगी ना नारायण में रहेंगी, क्योंकि ना तो हिंदुओं का पूरा पाएंगी ना तो मुसलमानों का पूरा पाएंगी, क्योंकि वहां पे एक बहुत बड़ा फैक्टर और है, ओएसी समेत तमाम ऐसे मुस्लिम नेताओं का जो ध्यान सीधे सीधे मुस्लिम वोट बैंक पे है, लगभग 30% से 40% मुसलमान है वहां पे जिनका वोट बैंक भी लेना है। ऐसे में कम्युनिस्ट पार्टी भी अपना दांव खेल रही है, कांग्रेस पार्टी भी अपना दांव खेल रही है और कांग्रेस पार्टी इतनी कमजोर नहीं है, वहां पे पिछले बार 40 सीट लगभग कांग्रेस पार्टी पाई थी। अब कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियां एक साथ लड़ रही हैं, ऐसे में यदि ममता बनर्जी मुसलमानों को इग्नोर करती हैं तो जाहिर सी बात है बाकी सारे लोग मुस्लिमों का ध्रुवीकरण या झुकाव कांग्रेस की तरफ जाएगा, बढ़ जाएगा वोट बैंक। यदि ममता बनर्जी मुसलमानों की बात करती हैं तो 60 से 70% हिंदू भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो अभी तेजी से झुक रहे हैं वो और तेजी से झुक जाएंगे। इसलिए जो गलतियां पुरानी हो गई अब उसको सुधारने का प्रयास ममता बनर्जी कर तो रही हैं, चामुंडा की भक्त बन तो रही हैं, नवरात्रि की बात कर तो रही हैं, लेकिन मामला इससे फिट नहीं हो पाएगा और नंदीग्राम में स्कूटी जब पलटना तय किया है तो पलट के ही रहेगा, अब कोई रोक नहीं पाएगा। सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि ममता बनर्जी जहां चुनाव लड़ने जा रही हैं उसके इर्द गिर्द जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं सब पे शुभेंदु अधिकारी का अकेले प्रभाव है और ममता बनर्जी जिस जहां से विधायक थी वहां की स्थिति यह है कि ममता बनर्जी वहां से चुनाव लड़ने लायक नहीं बची हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में ममता बनर्जी बड़ी मुश्किल से 20,000 वोट से जीती थी, कांग्रेस पार्टी के एक कद्दावर नेता ने उनको टक्कर दिया था। मजे की बात यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी हिंदू बनाम मुस्लिम का बढ़िया प्ले कार्ड नहीं खेल रही थी उस वक्त भी बीजेपी लगभग 28 से 30,000 वोट पा गई थी, तो जाहिर सी बात है कि ममता बनर्जी वहां लड़ने जाएंगे नहीं। अब सब कुछ उनका पूरी जोर पूरी ताकत नंदीग्राम में ही है, चाहे मारकाट करवा ले, चाहे हिंसा करवा ले, चाहे जय श्री राम को गाली दे दे, चाहे जय श्री राम का चोला पहन ले, वो डिपेंड करता है ममता बनर्जी पे। आपकी क्या राय आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ये वीडियो ममता बनर्जी तक पहुंच जाए तो और अच्छी बात है, नहीं पहुंचता है तो उनके लोगों तक पहुंचे और समझ जाएं कि अब वो गलत फंस गए हैं और जो पहले किया था उसका प्रायश्चित तो भुगतना ही पड़ेगा। और सरकार में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन बनेगा करोड़पति नहीं, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस पे बड़ा खेल होने वाला है। ओनली न्यू नेशन आपको दिखाएगा बताएगा भी सब कुछ इसी चैनल पे दिखेगा, जुड़े रहे ओनली न्यू नेशन के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही है मनगढ़ंत बातें, मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के, इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।